तो एक नंबर पर जो भैंस है भाई पूरी नस्ल की वो दिखा दो। वीरेंद्र भाई डिटेल दो भैंस की एक बार सबसे पहले। 5 दिन की भाई। 5 दिन की ब्याई है, ठीक है जी। और नीचे मुर्रा का मेल है फीमेल है? कटड़ा है। अच्छा कटड़ा है, बिल्कुल काला रहा है ना। कौन से ब्यात में भाई साहब? भाई दीपक है तीसरा है। तीसरे ब्यात में, ठीक है। 11-12 किलो से चलिए भाई, ये क्वालिटी देख लो, खूब बढ़िया क्वालिटी है। इसकी हमारी 20 किलो की ओट ली है। 20 किलो की ओट। थन क्वालिटी दिखा दे भाई, अडर क्वालिटी दिखा दे, कितने दिन की ब्याई होगी दीपक भाई? आज मान लो या परसों शाम ने ब्याई थी। परसों शाम को डिलीवरी दी थी। कौन से ब्यात में फिलहाल भाई दीपक? तीसरा भी, तीसरा बता के दी है। ऊंचे चौथा भी, ऊंची चौथा भी कह लो, ठीक है। चाहे चौथे कह लो भाई, लेकिन तीसरे में तो बता के दिए। नीचे मेल फीमेल की है भाई? नीचे कटड़ा दीपक भाई। अच्छा नीचे कटड़ा है, ठीक है। नीचे कटड़ा जी, और 20 किलो की ओटली है, कदकाठी बहुत बढ़िया झोटी की, और दार चुवाई की बहुत बढ़िया दीपक भाई। अच्छा बिल्कुल नरम चुवाई है। हाँ बिल्कुल नरम, ठीक है ठीक है। 20 किलो दूध निकाल देगी दीपक भाई। अपना कोई लोकल भाई लेने लग जाओ इसी की, इसकी नहीं इस डाल की, कितने कीमत में आ जाती होगी लगभग? दीपक है ना सूत बैठने पर बात, ओठ पर बात ले ली, सूत भी बैठ जाए फिर। जो ओठ पर लेगा ना, हाँ वो 2 रुपए का ही लेगा, क्यों ओठ ही पास्ट 1.60% मतलब 1.5 प्लस की। हाँ जी सभी साथियों नमस्कार भाई, राम राम सारे भाई, यानी दीपक सिहाग की ओर से भाई फिर से स्वागत है एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल सिहाग मुर्गा फार्म पर। तो बिल्कुल खचाखच माहौल है भाई, बिल्कुल जो ताज़ा भैंसे हैं ठूकी कड़ी है वीरेंद्र भाई के डेयरी फार्म पर। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, और अच्छी भैंसों की क्वालिटी के साथ उनका मिल्क रिकॉर्ड, उनकी खरीदने वाली कीमत, उनकी बेचने वाली कीमत सारी की सारी बताएंगे। तो ये हम लेके आ रहे हैं जी वीडियो वीरेंद्र भाई के डेयरी फार्म से जताई गांव जिला भिवानी से। खूब अच्छी अच्छी भैंसे हैं, चौगरदे के दिखा दे भाई कैमरामैन। सबसे पहले हर रेट की, मतलब कहते हैं ना नॉर्मल की, रिजनेबल रेटा की, हाई रेटा की, हर रेट की भैंस आपको यहाँ मिलेगी। चौथे इलेक्ट्रिशियन की, तीसरे की, दूसरे की, पहले की, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो वीडियो को आगे स्किप ना करें, पूरा देखें, बताइए वीडियो कैसी लगी। जो भाई पहली बार वीडियो देख रहा है एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि रूटीन तो अच्छा पशुधन दिखाना ही अपने चैनल का मेन उद्देश्य है। तो चलिए वीरेंद्र भाई से मिलते हैं। वीरेंद्र भाई राम राम। राम राम दीपक भाई, एक बार दर्शकान और कर दो जी राम राम। सभी दर्शक भाइयों को राम राम। तो वीरेंद्र भाई एक बार सबसे पहले तो अपने यो बताओ, वीडियो रूटीन तो आती रहो हैं तो अच्छा पशुधन दिखाते रहो हो, तो एक बार तो सबसे पहले अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दो, क्योंकि दर्शक बहुत खुश हों आपकी वीडियो देख के, कहीं ना कहीं जानना चाहूँ एक बार मोबाइल नंबर बताओ। दीपक भाई 90170 पूरा 830, ठीक है 830। अपना गाँव जताई है, जिला भिवानी, जिला भिवानी है। जताई गाँव कौन से रोड पर पड़े हैं? जींद भिवानी रोड पे पड़ता थी जताई, और बिल्कुल मैन हाईवे से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं है ना, 1 किलोमीटर। अच्छा 1 ही किलोमीटर है जी, 1.5 किलोमीटर भाई लगभग। तो वीरेंद्र भाई आज लोट है, कैसे है बताओगे थोड़ा एक बार भाई? लोट है। अच्छा लोट है, कितनी भैंसों का है इसमें? जाऊंगी 11 भैंसे। 11 भैंसे जाएंगी, पर कैपेसिटी कितनी रहेगी दूध की? दूध की दीपक भाई है ना मान के चलिए 13 किलो। अच्छा कोई 15 किलो, ठीक है, कोई 16, कोई 17, कोई 18, 20 किलो। 20 किलो, ठीक है ठीक है। एक बात मैंने भी देखी, देखो पिछले लोट की भी आपने वीडियो कवर की थी, इस वाला लोट थोड़ा सा हल्का लग रहा है मेरे को लग रहा है, या है भी भाई? जी देखो हमने मुक्के की बात हो, बिल्कुल बिल्कुल दूध था तैयार है जी, ये मैसे कच्ची भाई, इतना फर्क ये कच्ची भाई, बाकी मैसे इसमें उन तो अच्छी है 2-3। अच्छा अच्छा उन तो अच्छी है। हाँ, ये कितना लोट तैयार हो रहा है लगभग बताना चाहोगे दीपक भाई? देखिए वो भाई ने ली है, हाँ, वो ठीक है, उसने आगे जाके सेल करनी है, ठीक है। तो वो उसने मेरे ती कही थी स्पेशल भाई है ना जी, रेट शो ना करिए, आप प्रॉपर शो नहीं कर सकते, हाँ। फिर आगे समस्या आ जाओ, हाँ, क्यों उसने बेचनी भी है और कहते हैं भाई व्यापार एक भाई पर्दे के पीछे की बात हो है तो रखनी भी चाहिए, और मन ने बताना हम कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है, कितने ले रखी है, ठीक है, कितने की ले रखी है, ठीक है, हमें कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। तो एस्टिमेट आप बताते रहो 15-20 हज़ार के अंडर में भाई, यहाँ तक यहाँ तक, ठीक है, इतना बैठा ही है, ठीक है ठीक है। मधु चलो उनसे बात करवा देंगे पहले एक बार। सबसे पहले भाई कितनी भैंसे? 11 की 11 भैंसे दिखाओगे? हाँ देख खाड़े हैं दीपक भाई सारी। अच्छा सारी की सारी, अगर कैमरे चो करते तो घुमा दे भाई, चारों की 11 की 11 भैंसे यही हैं, जिनमें कोई खरकी है, कोई दूसरे की, कोई तीसरे की, कोई चौथे की, हर क्वालिटी है। तो एक नंबर पर जो भैंस है भाई पूरी नस्ल की वो दिखा दो। वीरेंद्र भाई डिटेल दो भैंस की एक बार सबसे पहले। दीपक भाई आज मान लो यहाँ 4-5 दिन की ब्याई। 5 दिन की ब्याई है, ठीक है जी। नीचे मुर्रा का मेल है फीमेल है? कटड़ा है। अच्छा कटड़ा है, बिल्कुल काला रहा है ना।
काला है जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अच्छे सीमन का प्रभाव पड़ा होगा। क्वालिटी देख भाई एक बार, बिल्कुल क्वालिटी दिखावा जरूर, क्योंकि क्वालिटी नसे क्वालिटी देख लो, थन की क्वालिटी देख लो, नस दिखा दे भाई। गैप देखो दीपक भाई, गैप भी बहुत अच्छा भाई। कौन से ब्यात में भाई साहब? भाई दीपक है तीसरा है, तीसरे ब्यात में, तीसरे ब्यात में जी सामने आप देख सकते हैं, तीसरे ब्यात में है और नीचे मेल काफ है, चार पांच दिन की ब्याई हुई है, कितने से खाली चली है फिलहाल? दीपक भाई इसमें दूध था पाँच पाँच किलो, बच्चा तो न्यारा। अच्छा पाँच पाँच लगभग दस किलो, आधी आधी किलो बच्चा, बच्चा न्यारा रह गया। ग्यारह बारह किलो से चली है ये मतलब? हाँ दीपक भाई ठीक है, ग्यारह बारह किलो से चली है भाई। ये क्वालिटी देख लो, खूब बढ़िया क्वालिटी है, बुरी नस्ल मैं बार बार कहता हूँ, कहीं तीसरे या चौथे नंबर पे आती है भैंसों की, सोलह नस्लें होती हैं भाई। दो नंबर के बारे में और बताओ वीरेंद्र भाई। दीपक भाई इसकी हमारी 20 किलो की ओट ली है, 20 किलो की ओट। थन हाँ। क्वालिटी दिखा दे भाई, अडर क्वालिटी दिखा दे, कितने दिन की ब्याई होगी? दीपक भाई आज मान लो या परसों शाम ने ब्याई थी, परसों शाम को डिलीवरी दी थी। कौन से ब्यात में फिलहाल भाई? दीपक तीसरा भी, तीसरा बता के दी है, ऊंचे चौथा भी, ऊंचे चौथे भी कह लो ठीक है, चाहे चौथे कह लो भाई, लेकिन तीसरे में तो मैं बता के दिए। नीचे मेल फीमेल की है भाई? नीचे कटड़ा दीपक भाई। अच्छा नीचे कटड़ा है, ठीक है नीचे कटड़ा जी, और 20 किलो की ओटली है, कद काठी बहुत बढ़िया झोटी की, और दार चुवाई की बहुत बढ़िया दीपक भाई। अच्छा बिल्कुल नरम चुवाई है? हाँ बिल्कुल नरम, ठीक है ठीक है, 20 किलो दूध निकाल देगी दीपक भाई। अपना कोई लोकल भाई लेने लग जाओ इसी की, इसकी नहीं इस डाल की, कितनी कीमत में आ जाती होगी लगभग? दीपक है ना सूत बैठने पर बात, ओट पर बात ले ली, सूत भी बैठ जाए फिर जो ओट पर लेगा ना हाँ वो 2 रुपए कर ही लेगा, क्यों ओट हो पास तो काम पक्का हो जाए, काम पक्का हो जाए, सही बात है। हाँ एक वो 20 किलो की क्या कह दिया, आगे जाके वो 12 ही दे मन में, आओ अगल तो जाओ है। तो इसकी कीमत लगभग कितनी होगी? 20 की ओट ली है ना तो मान के चल तू मैं 18-19 दे दे, 19 भी दे दे तो 20 से मान, हाँ 20 से मानूं, हाँ जी जी, लेकिन मैंने कही थी भाई 18 किलो की मान के लिए, ठीक है ठीक है दे दो चाहिए 20, ठीक है ठीक हाँ। है अपने लोकल है में कितने की मिल जाओगे लगभग? लोकल में दीपक भाई एक एस्टीमेट तो लगवाओ है भाई, एक 60% एक 60% मतलब डेढ़ प्लस की, हाँ देख 20 किलो की है ना डेढ़ तक हम तैयार तो होगा ना, हाँ तो मुश्किल है, मुश्किल है बिल्कुल सही बात है, मुझे को कह दो दे, खाली हो तो अलग बात है, देखो तैयार करने में बहुत हंगा लग जाओ, दूध या तो गाड़ी में इसके पीछे लग गए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत बढ़िया चोटी भाई। तीसरे नंबर पर दिखा दे भाई, बिल्कुल खीस से खाली नहीं हुई की भाई, बताओगे एक बार? ना ना या श्याम की ब्यावड़ी है भाई, श्याम की ब्यावड़ी भाई दिखाई एक बार, अडर क्वालिटी दिखा दे, बहुत बढ़िया अडर क्वालिटी है जी। कौन से ब्यात में भाई साहब? दीपक तीसरा ब्यात चाहे चौथा भी हो भाई। अच्छा तीसरा चाहे चौथा कौन सा ही कह लिया, ठीक दीपक है ना देख ब्यात तो अपन कोई फर्क को नहीं पड़ता। अच्छा ब्यात पे कोई फर्क नहीं, नहीं दम होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं चौकी चलेगी ना ब्यात का भी रहना पड़ता, ब्यात का भी रह कौन बड़ा, बढ़िया चर्चे बढ़िया दूध दे दे, और कैसी है मीडियम हाइट लेंथ की भाई, और खूब बढ़िया ब्यूटी की, देखो सींग थोड़ा सा खुला है लेकिन अडर क्वालिटी अच्छी ले रही है, थन वगैरह अच्छे ले रही है भाई साहब। इसकी और डिटेल दो एक बार, नीचे कटड़ा कटड़ी है दीपक भाई, नीचे इसका कटड़ा है। अच्छा नीचे कटड़ा है, हाँ ठीक है। दूध की क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा इसका? दूध दीपक भाई है ना ये मुंडाल थी, अच्छा मुंडाल था, मैम गई ठीक है, मैम तो हमने ली है, ठीक है मैम से आपने ली, हाँ। कितना दूध निकाला दीपक है ना? ये तो अंदाजा तो लेनी पड़े है, हाँ सही बात, अंदाजा तो देखो लेना पड़ा हर चीज का, बिल्कुल सही बात, बाकी भैंस दमदार है, कच्ची को नहीं, भैंस दमदार है, बिल्कुल सही बात बताई भाई। और चौथे नंबर पे एक और पशुधन दिखा दे भाई, ये खर की चोटी है दीपक, बिल्कुल खर की खोलिए भाई, कितने दिन की ब्याई होगी भाई दीपक? ब्याई तो मन माना है भाई, 15-16 दिन की हो, अच्छा 15-16 दिन की ब्याई हो सकती है, 15 दिन की तो मानिए बच्चा है, ठीक है ठीक है, मल्ले से चल ली भाई साहब दीपक की आज चली है भाई, चाय भी ली हो, कई बार बताते नहीं भाई, हाँ। बिल्कुल सही बात है, ये देखो भाई कितना दूध निकाल दे वीरेंद्र इसमें दीपक भाई, 14 किलो दूध है, अच्छा 14 किलो दूध, तो कहीं ना कहीं प्लस करेगी भाई साहब, देखो उम्मीद है बाकी 14 है ना, ठीक है बात ठीक है ना, तो दीपक भाई फिर दूध 14 थोड़ा को नहीं होता, हाँ या तो दांतों में कैसे भाई साहब? दांतों में 4 है दीपक भाई, 4 दांत है भाई, 14-15 किलो दूध खर की गए, और नीचे मेल काफ है, मैं बताना चाहूंगा आपने, इसकी अगर इसी कोई भैंस टोन लग जाओ अपना आम किसान, तो कितना की मिल जाओगी दीपक? देखो कद काठी भी अच्छी है, 14-15 किलो दूध खर की गए, और की तो को नहीं बता दे, बाकी अपनी बता दो, 1.5 किलो, अच्छा 1.25 लाख रुपया, ठीक हाँ सही बात है, खीते तो भाई जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, ना जो बात ना बता देने दे पर, हाँ सही बात है, 1.25 लाख रुपया की, ठीक है जी बहुत बढ़िया, बहुत छोटे सिंह की भाई अच्छी जोटी है। नेक्स्ट और बताओ भाई साहब, कटिंग वगैरह करवा रखे शायद 10-15 हज़ार इसके ज्यादा मिलेंगे, यही बात है कि भाई ये कटिंग तो है ना बस मन का थोड़ा, अच्छा सुथरी लग गई और ओके है, ठीक है ठीक है। ये कौन से ब्यात में भाई? ये दूसरे ब्यात में, दूसरे ब्यात में भाई जो ल्योटी का अगर बिल्कुल
तनी तनाई वाह 4x4 वाली। कितने दिन की ब्याई होगी भाई? यह होगी दीपक 6 दिन की ब्याई। 6 दिन की ब्याई है जी, ठीक है 6 दिन की ब्याई है जी। और दूध कितना तैयार है भाई आज? दूध है दीपक 14। 14 किलो दूध तैयार, खूब है भाई 14। तो दीपक है ना पीछे लग गए जब थोड़ा हो जाए। अच्छा हाँ जब बात ठीक हो ना फिर 14 बहुत सही। हाँ 14 तो खूब हो जाओ 6 दिन की ब्याई के। ये देखो भाई 6 दिन की ब्याई हुई है और 14 किलो दूध दे रही है, कितना निकाल देगी भाई साहब? दीपक है ना भाई 17-18 तो देना चाहिए घड़ा नहीं तो। अच्छा 17-18 हाँ ठीक है, तो 14 फुल डाइट में देती होगी भाई साहब क्योंकि 6 दिन की ब्याई होगी फिलहाल ना। ये बदाना घड़ा कोई नहीं दीपक। अच्छा चल रही है क्योंकि उठ रही है ना, या तो है थोड़ी थोड़ी भूखी लग रही है। कच्ची ब्याई दाना घड़ा को नहीं गिरा दीपक। ठीक है ठीक है। 20 दिन की ब्याई है ना 25 दिन की, ठीक है ठीक है, खुआवांगे भाई ठीक है ना उसको खाया जा। ठीक है ठीक है बिल्कुल डाल भाई आम चराई में दूध ना मैचराएगी ना। हाँ सही बात है, जब दूध दोगी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई। तो वीरेंद्र भाई एक दो बात और बताओ, कैमरा नहीं इधर करिए भाई। बहुत सारे भाई क्या कह रहे हैं 6-7 दिन की ब्याई, आपने बताया 6 दिन की ब्याई का 14 किलो दूध तैयार है, तो ये रेयर जो चांस हो मेरे ख्याल से बहुत कम दीपक, बहुत कम बहुत कम। क्योंकि 5-6 दिन की ब्याई का अगर 10 किलो 9 किलो हो जाओ तो बतेरा हो जाओ दूध है, लोकल में इतना ही हो है, इतना थोड़ा कौन दीपक, इतना थोड़ा नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात, ये तो रेयर चांस हो एक आधी 14 दे दे, एक आधी 12 दे दे 5-6 दिन की ब्याई, यही बातें हो जी। और एक और देखो भाई बहुत छोटे सिंह की, सिंह दिखाइए भाई एक बार, जोड़ी खोल के सिंह दिखा दे एक बार प्रॉपरली, और अदर क्वालिटी दिखा दे भाई, नस वगैरह दिखा दे इसकी एक बार। सिंह तो हिसाब है सब जनू स्पेशल चढ़वा रखा है नहीं। ये देखो सिंह क्वालिटी बहुत छोटा, खर की छोटी होगी भाई दीपक है ना, देख ओ चाहिए दूसरे भी। हाँ 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 बकिली खरकी मान के, क्योंकि खरकी लग भी रही भाई, कच्चापन बहुत हाँ। ज्यादा है दांतों में कैसी है पता होता हूँ चार दीपक। अच्छा चार दांत है ठीक है भाई, हड़वी जोटी है लेकिन अदर क्वालिटी अच्छी ले रही है कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया ले रही है। कितने दिन की ब्याई होगी भाई? आज दीपक होगी 5 दिन की, 5 दिन की ब्याई। देखो वो बच्चा है ठीक है, वो बच्चा मेल फीमेल के नीचे नीचे तो भाई दीपक कटड़ा कटड़ी है, कटड़ी है नीचे फीमेल काफ है जी, बिल्कुल छोटे सिंह की बहुत बढ़िया थन वगैरह बहुत अच्छी। ये देखो जी गैप में खूब अच्छे हैं भाई जब, यह देखो इसकी भी देखो कद काठी कहीं ना कहीं हल्की है, मीडियम क्वालिटी है नहीं छोटी है भाई छोटी की। हाँ। इसका और रेट बता दो दर्शक अंचाड़ा हा पाट जाएगा नु मान लो। यह है ना भाई प्रेम बुल्टानिया पे 1,21,000 के लिए, 1,21,000 की ठीक है ठीक है, क्योंकि जो यूनिक हो थोड़ी थोड़ी उसकी कीमत पूछ लें तो अच्छी बात हो, कोई दिक्कत नहीं दर्शक भी राजी हो जाऊं भाई, क्योंकि बिना कीमत का वीडियो ना तो दर्शकों का काम क्यों होती। हाँ। क्यों भैंस तो सारी सेल होली। हाँ। अब कौन महाराष्ट्र लेने चाहता है इन्हें, बाकी कहाँ जा रही है बताओगे थोड़ा? ये ग्वालियर जा रही, ग्वालियर जा रही है बिल्कुल सही बात है, ये ग्वालियर वाले भाइयों कहते तो बढ़िया वीडियो रहोगी क्योंकि वो नहीं मतलब छटेगा कौन सी लेगा। अच्छा अच्छा कोई फाइनल नहीं है। अच्छा अभी फाइनल नहीं है ठीक है तो भाई अभी फाइनल नहीं है ये कौन सी भैंस जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, बाकी आप कॉल करके पूछ सको हो वहाँ भैंस गई का नहीं गई। हाँ। सीरियल नंबर देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जानकारी ले लियो भाई पे वो दे देंगे भाई। एक और दिखा दे भाई जो बिल्कुल कोने में बंधी हुई है, इस भैंस की डिटेल दो भाई साहब, ब्यांत बता दो एक बार तो भाई दीपक है, देख इसका ब्यांत कह नहीं सकते क्योंकि बहुत खुला सिंह हो रहा भाई। हाँ। उम्र सी दिखा रही है थोड़ी थोड़ी, बाकी न्यू है गवाल में दूध बेचना या ना सिंह शंगा ने कोई नहीं देखा या तो है बिल्कुल सही बात है। हाँ दूध काट दो बात खत्म। हाँ दूध काट दो, कितना एक दूध वाली भाई दीपक है ना भाई 15-16 किलो तो देना चाहिए। सही कह दिया भाई 15-16 है ना, मान ले 4 दिन की माँ 12 किलो दूध से। अच्छा 12 किलो दूध तैयार है फिलहाल, आज इसने 5वां दिन है अपना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो दूध ठीक निकाल देगी। हाँ ठीक है जी, नीचे के इसका नसाली है दीपक भाई नसाली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नसाली में सन है। हाँ, नसाली कच्ची ना रहा बिल्कुल बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी मानसिकता हो सबकी अपनी अपनी सोच हो भाई बिल्कुल, लेकिन नसा वाली कहीं ना कहीं बढ़िया रव है जोटी। हाँ, ये देखो भाई तो नीचे के भाई इसके मेल फीमेल इसके कटड़ी है दीपक, नीचे कटड़ी है 14-15 किलो दूध निकाल देगी भाई दीपक करना चाहिए। चलो ठीक है जी बहुत बढ़िया, तो इस भैंस की भी जानकारी आप ले सकते हो। एक या और भैंस है भाई बिल्कुल देसी भैंस, छोटा सा खुला सींग है, कौन सा ब्यांत है भाई साहब? खास दूध की भैंस है दीपक। अच्छा ब्यांत इसका चौथा है, चौथे ब्यांत में। हाँ। चौथे ब्यांत में भाई पीछे तो अटर दिखा दे, खोल दे भाई गुरु भाई काले खोल दे भाई एक बार और अटर क्वालिटी देखेंगे भाई अब कितनी है कितनी है। नीचे क्या भाई इसका भाई है ना दीपक कटड़ी है। अच्छा नीचे कटड़ी दीपक का मैशा तला है ना। ठीक है एक के तला कटड़ा है नहीं सारी कटड़ी दीपक। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो भाई अदर क्वालिटी अभी तो किस कितने दिन की ब्याई बताई? यह है ना दीपक भाई कल मान ले
कल सुबह की ब्यावड़ी। कल सुबह की से खाली हुई है मतलब? ठीक है हाँ, मतलब सुबह नहीं भाई, इसका सुबह खींच काटा था मैंने, शाम ने खींच काटा था। ठीक है, दो काट के फिर दो टाइम निकालिए। ठीक है, तो ये परसों की ब्यावड़ी है। परसों की ब्यावड़ी है, ठीक है। हाँ। ठीक है, दूध कितना निकाल देगी भाई? यह है ना बिट्टू मोखरिया, बिट्टू मोखरिया उस पर ली है भाई। ठीक है जी, और उसने मेरी 20 किलो की ओट दी। 20 किलो की ओट? हाँ, ओट तो बहुत बड़ी बात हो जाओ भाई, है ना। देखे न सात सात में खतर तो हुए है, झूठा खतर देखो कुछ भी हो जाओ, मेन बात सारे आदमी ओट लेवा को नहीं, बहुत कम चांस है। और ओट लेनी है ले ले, झूठी भी ले ले, फिर उनका करिया भी किया जाओ। बहुत सारे भाई हम वीडियो बनावा हाँ, कई भाइयों की देखो शिकायत भी आ जाओ भाई, मैं आपने बता दू, वीरेंद्र भाई भी साथ में है भाई, कई व्यापारियों की हम भी वीडियो बना दें, उस तक सेल हो जाओ उनकी बहस, और आगे जाके उलाना निख रहा है, फिर वह बात कहीं ना कहीं मर पे भी आओ है, यूट्यूब साथी जो भी वीडियो बनाओ है व्यापारी पे तो आओ भाई, आओ असर तो सारा ही दिखेगा, कोई सारा असर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा भाई। तो हम भी सोचा भाई जो ओट है वह थोड़ी अच्छी हो तो ठीक से, और उसे में मजा है भाई, सारी सच्चाई पे वीडियो बना उसे में अच्छी बात है। तो एक और दिखाओ भाई, ये देखो चार पशुधन, दो बैठे हैं दो खड़े हैं फिलहाल, और ये देखो भाई खरकी झोटी भाई सब, या खरकी है दीपक। ठीक है, कितने दांत है भाई? दांत तो चार पूरे हैं, छठा एक तो दीपक। ठीक है, चार दांत मतलब? हाँ चार दांत है जी। ये देखो खरकी झोटी बिल्कुल रिंग सिंह की, छोटे सिंह की, कदगाठी उठते ही देखेंगे भाई, मीडियम हाइट लेंथ की है ये देखो, और थन वगैरह देखो भाई, रंग देखो। हाँ रंग प्योर काला, प्योर राजस्थान साइड तारेगी भाई दीपक भाई। या उम्र खेता मत ली थी? उम्र खेता मत है हाँ। और तो बागड़ चल हो जाओ है, बागड़ तो के है वो जंगल दूध का है। हाँ जंगल दूध, पशु दूध का पा जाए दीपक। बिल्कुल 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 हाँ। ये देखो भाई थन क्वालिटी दिखा दे एक बार, बहुत बढ़िया थन क्वालिटी ले रही है, गैप में ले रही है, नीचे के भाई नीचे कर रही थी, नीचे कर रही है। कितना दूध दे देगी भाई दीपक भाई? इसमें 14 किलो दूध है। कितने दिन की भाई है? आज या मेला लग रही है। अच्छा मैंने लगी तो 15 दिन की लगभग समथिंग है, 12-13-14-15 हाँ कुछ इसी। ठीक है, तो दूध और बढ़ाती होगी अभी तो किलो सवा किलो दीपक भाई, बढ़ना चाहिए 15 किलो तो इसने देना चाहिए। हाँ 15 तो देना चाहिए हाँ। बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, ठीक है मीडियम क्वालिटी की है, 15 किलो दूध दे देगी खर की, चार दाँत है हाँ। नीचे इसके की है? नीचे कटड़ी, नीचे कटड़ी है। इसका रेट बता दो सेल करने वाला सही, कितना दीपक अपना रह जाए बाई चांस? यह है ना वो भाई बैठा ना उसने ले रखी है। ठीक है, अच्छा ले रखी है हाँ। ठीक है, इसी कितने की आ जाओगे मीडियम क्वालिटी की? अपने फार्म पर कोई हो तो आगे बेच रखी हुआ है बता दे। हाँ बता दो, 1,11,000 की दे। 1,11,000 की, क्योंकि सारी बात होनी चाहिए भाई, रेट जिस पशु का होगा नहीं तो उतना ही अच्छा हुआ है हाँ। इसी क्वालिटी है तो 1,11,000 की है, अच्छी क्वालिटी होती है इसी क्वालिटी को नहीं, ये तो मौके की बात है, मौके मौके की बात है। मान ले 10 रुपये मंदी आ रही है ना हाँ, वह 10 रुपये मंदी आ जाएगी, 10 रुपये मंदी जाओगी वहाँ हमें तेज ले रहा नवा मंदी को कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत बढ़िया बात बताई भाई ने। अच्छा यूँ और बताऊँ, बहुत सारे आजकल व्यापारी भाई है अपना कमीशन बताने लग गए भाई, हम 5,000 में दे, हम 10,000 में बेचा हाँ, अपना कितना काम रहा है, कितने हज़ार का यूँ लगा भाई बेनिफिट होना चाहिए दीपक है ना जी। कई बार क्यों है पशु भी देखना पड़ा है, मानस भी देखना पड़ा है। सही बात है, एक आदमी तो ईसा जाए उस पर तो मनवाने 2,000 लिए जा, हर भाई एक आदमी ईसा जाए उस पर 10 लिए जा, 10 लिए जा। कई बार पशु पर भी बात हो, हर आदमी पर भी बात हो, और फिर रही बात कीमत की है ना, जिसका दूध होगा ना उसा ही भाव होगा उसी भाई, और ये कोई फिक्स नहीं होता। हाँ कोई फिक्स नहीं है, उठा दो भाई इसने भी। मैं सहन दीपक भाई ठीक है, 20-20,000 30-30,000 टोटा भी करे हैं। हाँ टोटा भी करते हैं कोई हाँ। वाली कौन व्यापार है तो उसने के कोई और बधा के थोड़ी देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन बस इन धंधा ऐसा है, धंधा ऐसा भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो भाई कौन से ब्यात की भाई साहब? दीपक चौथा ब्यात की, चौथा ब्यात की भाई, खीस से खाली होली भाई, किस्त खाली है दीपक भाई। कितने दिन की ब्याई होगी? ब्याई होगी 2 या 3 ना हफ्ता की है भाई। अच्छा हफ्ते की, फिर तो खींचते तो बहुत आगे जा लिया हाँ, था। दूध दीपक 16 किलो। अच्छा ले सही समय तैयार हाजिर, 7-7 बच्चा का। ठीक है ठीक है हाँ। बहुत बढ़िया जी, कितना दे देगी भाई साहब? दीपक भाई है ना या मोनू भोटाना का, मोनू भोटाना ठीक है, उस पर ही ठीक है। ये वो बता था ये उसका गाँव में जी मिला भाई 19 किलो के हो रहा, ये मान ले 16 है न हाँ, और फिर 7-8 दिन की है तो फिर कसर भी की रहेगी यार। खूब दूध है 7-8 किलो की, 16 किलो तो बहुत ज़्यादा वीरेंद्र भाई हाँ, खूब अच्छा दूध मानी हो हाँ। अच्छा यूँ और बता दो, देखो दूध तभी साथ की साथ बताऊँ, कैमरा इधर करिए भाई एक बार, ये आपने बता दिया या 7 दिन की ब्याई हुई है हाँ, 16 किलो दूध तैयार है हाँ,
कोनी जचे से ली जचे कोनी दीपक भाई बेरा सही बात बताई है लेनी आप ही ना है और जो अपना फलेगा वो दो टाइम तीन टाइम चो होगा यही बात मैं पूछ रहा हूं इस भैंस की क्या टाइम चोई करवा सकते हो किसी भैंस की भी दो दिन चार दिन दीपक है ना अपना सा नहीं इतना चोई जाओ दिक्कत की है कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैंस में दूध है ना क्या टाइम चो हां क्योंकि बिल्कुल जो पिछला कस्टमर था आपका लगभग 7 टाइम चोई करी थी उसने देख दीपक पिछले वीडियो में बताया था चाहे कोई हो जी ये वापी तो है ना मान ले ओड़ सोड़ करा हां हां रिस्क लेना पड़ जाए रिस्क लेना लेकिन मैं व्यापारी कोई भी हो उसने नहीं कहा करता भाई जब तू पेटा नहीं भरा नहीं तेने देखिए जाओ बिल्कुल सही बात अगला पीछे दूध के देख भाई हां हां ये दूध दिखाओ ही नहीं जी जी तो फिर वो ठगी हो जी हां ठगी होगी बिल्कुल सही बात बताई फिर गाल मिला जी 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 अच्छा थोड़ी बेच ले साफ सुथरी बेच बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई या और छोटी दिखाओगे कि भाई हां या मैं से दीपक भाई ठीक है या कौन से ब्यात में भाई दीपक इसका ब्याह चौथा मान ले भाई चौथे ब्याह में चौथे ब्याह में भाई ये दिखा दे एक बार अभी मिल्किंग होली भाई साहब इसकी ना ना लोटी अच्छा। कम है दीपक भाई अच्छा लोटी कम है दूध की खास कितने दिन की भाई होगी दीपक या तो कच्चा बच्चा है हाँ कच्चा बच्चा बिल्कुल हाँ, अभी तो यो और दूध कितना बारह किलो इसमें खंड का दीपक भाई अच्छा 12 किलो कट्टे का ठीक है ठीक कितना बना देगी भाई दीपक ने आज 12 तो 15 तक की कमरा होगी ना ना अच्छा दूध दे देगी अच्छा अच्छा दूध वाली हाँ ठीक है ठीक है थोड़ा सींग खुला है भाई देखा देखा काट देना तसल्ली तो है जबकि लेकिन आस पर लेनी पड़े दीपक ले आस पर तो लेनी पड़े भाई सारी तैयार दूध की भी कौन मिले हाँ। व्यापारी सी चीज होगी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई तो वीरेंद्र भाई और क्या कहना चाहोगे भाई हाँ थोड़ी थोड़ी मिल्किंग भी दिखा दें भाई धार वगैरह दिखा दें भाई है नहीं उगरा इस पर मेरे से कम से कम भी 40 मैच जाली ठीक है इसी महीने ना टोटल महीना मामा एक काक ने एक गाटी दिया करू अच्छा अच्छा दीपक है ना रोज रोज है ना कंड की मैस को नहीं पाऊँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कट्टे की मिले कौन भाई हाँ। जी 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 एक गाक ना महीना में एक की गाड़ी दूंगा भाई अच्छा एक की गाड़ी दो हाँ ठीक है हाँ ये वो अंकल आया था ना वो दो महीना अगला महीना मना दिया मैं ये पूरा नहीं दिए एक महीना छोड़ के फिर आ जाइए हाँ बस ठीक है यो भाई सा ठीक है यो आई महीना ले जाकर ठीक है हाँ। बिल्कुल सही बात है तो इस पर पूछो ओड़े की के रिपोर्ट है वो बात तो वही बताऊंगा वो अगला ही भाई बताऊंगा हाँ। बुलाओगे एक बार उसे हाँ बुला मधु बुला लो एक बार ओ मधु आ जाओ भाई एक बार आ जाओ आ जाओ दो मिनट आ जाओ आ जा क्योंकि डिटेल जरूरी है भाई यो भाई भैंस ले गया है वो जो मैं तो यो ही बताऊंगा सही बात है ये वापी तो कहेगी दे दे वहां भाई 18 किलो वाली हाँ। आगे बात नहीं बनी तो बात खत्म हो जाएगी भाई साहब राम राम जय श्री राम भाई जय श्री राम भाई कैसे हो बस बढ़िया जबरदस्त हाँ। एक बार नाम बता दो नाम मधुसूदन चतुर्वेदी मधुसूदन हाँ हमारा मधुसूदन घी भी आकर है भाई बहुत बढ़िया है भगवान कृष्ण का नाम भी है हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ये बताओ मधु भाई जो वीरेंद्र भाई और अनुभव है 7 दिन की ब्याई 14 किलो तैयार 6 दिन की ब्याई 12 किलो तैयार या आज 20 किलो तैयारी दूध की है आपने भाई साहब ने बता 40 पैसे ले गए हो तो कितना दूध निकाले है आगे की रियलिटी बताइयो भाई रियलिटी तो ये है कि मैं वीरेंद्र भाई से आज 1.5 साल से जुड़ा हूँ 1.5 साल से ठीक है मुझे वास्तविकता तो ये है कि दूध निकालना भी ढंग से नहीं आता है ठीक है और मैं पेशे से वकील हूँ ठीक है और पूरी फैमिली नौकरी वाली लोग हैं सारे के सारे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है ठीक है तो मेरे डैडी फौजी ऐसे शौक हुआ चले आए हरियाणा देखा यूट्यूब पे वीरेंद्र भाई को बात अच्छी लगी भरोसा किया चले आए सही बात आज से 1.5 साल पहले मैं 3 भैंस लेके गया था ठीक है और 1.5 लाख 180 1.65 के आसपास ठीक है और वहां जाके टूट गई दूध नहीं दिया 10 दिन में परेशान हो गया ठीक है मैंने सोचा वीरेंद्र भाई ने झूठ बोल के ठग लिया किंतु बाद में 15 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो जितना दूध मैंने यहाँ देखा था उससे ज्यादा दूध आज भी दे रही है आज 1 साल बाद भी एक भैंस मेरे पास आज बंधी है वो 14 लीटर दूध निकाल रही है अच्छा, ग्वालियर के अंदर ठीक है और उसने यहाँ पे 18 लीटर देखा था तो वहाँ 20 दिया ठीक है एक का 16 देखा था अभी मेरे मोबाइल में है उसकी कीमत मैंने 10 लाख रुपए मांग रखी है यूट्यूब पर ठीक है सुल्तानपुर की है वो ठीक है सुल्तान नाम मैंने उसका रखा है ठीक है मेरा चैनल है लाजवाब डेयरी फार्म उस पर डाला रखा है ठीक अच्छा एक बात बताओ मुझे उसने पहली बार में 4 दांत अभी 18 लीटर दूध दिया 8 महीने की 51 है अभी 15 दिन पहले छोड़ा है उसको दूध ठीक है ठीक है एक बात बताओ यूँ कह रहे हैं भाई हरियाणा की मैं जो भैंसे हैं वो ज्यादा महंगी हो जाकर तो आपके वहाँ ग्वालियर में महंगी भैंस यहाँ तक कितनी महंगी होगी लगभग भाई महंगा कुछ नहीं है एक बात समझो वैसे मैंने भी भैंस कुछ बाहर से खरीदी थी जी लोकल से ठीक है भैंस की भैंस
ले ली मैंने, पैसा भी दे दिया और भैंस भी खराब निकल गई, तो महंगा क्या है? ठीक है, वही महंगा पड़ा फिर तो। हाँ वही महंगा पड़ा, बिल्कुल। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हाँ ये तो बात है भाई, बिल्कुल सही बात बताई। चीज ले लो एक बार, रोज जब दूध अपनी बाल्टी भरेगी तो मजा आएगा, चाहे 2 रुपए ज्यादा लग जाए। हाँ सही बात, थोड़ा अजीब ही भरेगा। हाँ। बिल्कुल सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद मधु भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे भाई। तो वीरेंद्र भाई की भाई वीडियो का साथ रिस्पॉन्स भी देते रहो यार वीरेंद्र, अगला एक बार तो 2 बार तो 3 बार तो जाएगी भैंस ले जाएगी वापिस, आओ तो इसे में भरोसा हो गया। उसे 12 किलो दूध की भैंस कर दी। हाँ हाँ, आज उसी जी 18-20 किलो की मैच। हाँ वीरेंद्र, एक बाबा वाली बात और कह दे, उड़ा शेखा थी पूछानी है मैच। देखो वो टाइम पर कमाएंगे तो भाई, गर्व वाला वो बात। क्या कि वीरेंद्र तो कई बार बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी कोशिश है, कोशिश है दुबई थी जानी चाहिए। हाँ। जब भी पड़ा पड़ता कर ही ना का। देखो मैं वो आदमी कदर करे। हाँ कदर करे, शौक की कदर करे। शान छोड़ के हर चीज का शौक है, तो भैंस का शौक भी पैदा करेंगे। तबे मजा होगा, जब हरियाणा की उन्नति होगी, जब पैसा की कीमत बढ़ेगी। तो वीरेंद्र भाई का बहुत अच्छा काम भाई, बड़ी अच्छी सोच है इनकी, दुबई थी जाना है और अच्छा काम कर रहे हैं रूटीन से। अपने पास लगभग कितनी पैसे रहती है रूटीन से दीपक भाई? आज अपनी डेयरी में हमने मान लो 11 तो होगी, 4 8 ठीक है, 4 12 ठीक है, और भाई 8 9 इतना होंगे ठीक है, आज इतनी है। हाँ। ठीक है, अच्छा क्वालिटी की और बता दो एक बार, कितने किलो वाली रखो हो, कोई आम ग्राहक आओ तो इतने वाली मिल जाओगी, कोई भाई 70-80 की भी लेनिया है, कोई भाई 7-8 किलो की भी लेनिया है। 70-80 वाली तो हम ही एक ले। अच्छा आपकी क्या खरीद रहती है लगभग औसतन दीपक? देखो मैं तो हम भी मंदी लेकर राजी। हाँ ठीक है, लेकिन भागा भाव मिल जाना वो भी ठीक हो है। हाँ वह ठीक हुआ, कीमत पशु की क्वालिटी पर दूध बात से। ठीक है ठीक है, क्वालिटी पर दूध बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई जी जी जी। और इन पर मोर तो होती को नहीं? ना ना मोर तो कुछ नहीं होता। हाँ। ना स्कैनर होता ना मोर होती भाई। हाँ। तो बिल्कुल सही बात बताई वीरेंद्र भाई ना, अच्छा काम भाई, अच्छा नाम है, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों तो ये अनुरोध है, अच्छा काम किया करो, बढ़िया काम किया करो। तो ठीक है वीरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, और मिलते रहेंगे आगे भी भाई, अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो बताना कैसी लगी कमेंट करके भाई।